हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस मल्टीमीटर का, जो कि आता है मास्टेक कंपनी की तरफ से। इसका मॉडल नंबर है MAS830L। ये बहुत ही कॉमन मल्टीमीटर है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं। पहले मैं चाइनीज़ मल्टीमीटर यूज़ करता था, जैसे कि ये वाले होते हैं आपके। इसके फंक्शंस इससे काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो थोड़ा कम होता है। थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी कम होता है, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जैसे यूनिटी कंपनी का है ये, अगर आप देख सकें तो हाउ यू कंपनी का है। ये चाइनीज़ है, और वैसे ये भी चाइनीज़ है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है और ये तो जेनरिक प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि ये डीसी 10 एम्पियर तक का करंट को मेजर कर सकता है। वोल्टेज ये एसी में 600 वोल्ट और डीसी में 600 वोल्ट तक मेज़र कर सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ की फीचर्स दे रखे हैं, जैसे वोल्टेज, एम्पियर, ओम, डायोड, HFE, बजर H, और ये इसमें बैकलाइट का फंक्शन है वो। यहाँ पे इसके कुछ और फीचर्स दे रखे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साइड में कुछ इस प्रकार का है, बैक साइड में कुछ इस प्रकार का है। आप वीडियो को पॉज करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे इनके अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इस साइड में कुछ इस तरह का है। यहाँ पे भी कुछ फीचर्स का हमें बता रखा है पॉइंट आउट करके। तो अब हमने ऊपर ऊपर से इसका बॉक्स तो देख लिया, अब इसको चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। जब आप इसको खोलेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा ये मल्टीमीटर। ये मैंने खोल लिया है, वैसे आपको पैकेज बंद मिलेगा। इसमें है ये मल्टीमीटर हमारा, और है ये टेस्ट लीड्स। इसके अलावा बॉक्स में मिलेंगे आपको कुछ प्रेम पत्र कंपनी की तरफ से, जैसे कि ये है प्रिसीजन के, मतलब इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, इसका सर्टिफिकेट, और ये है इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, काफ़ी लंबी है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपना डिवाइस। अभी ये है ऑफ पे, ऐसे करने पे हम इसकी रेंज अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्मल मल्टीमीटर में आपने देखे, इसमें वो सारे फंक्शन हैं। ये इसमें बैक लाइट का फंक्शन है, जो कि 4 से 5 सेकंड जलती है और फिर अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी लीड की क्वालिटी दिखाऊं तो वो काफ़ी अच्छी है। इसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन आप अच्छी दुकान से लें, ऑथेंटिक दुकान से लें, तो आपको सही प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर, और इस पर अगर आप ध्यान से देखें, इस पर भी मास्टेक प्रिंटेड है, मतलब एनग्रेव्ड हो रखा है दोनों लीड्स पे, और दोनों पे 10 एम्पियर लिखा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लीड्स हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो मेरे को लगता है आपको 100-110 से नीचे कहीं मिलेंगी। देखिए, इसमें सारे सर्टिफिकेशन के मार्क बने हुए हैं। वायर पे बिल्कुल मेंशन है कि कितने एम्पियर तक सपोर्ट करती है, और पीछे तक इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ इस मल्टीमीटर के साथ। तो इसको चेक करने के लिए पहले तो आपको ये जो ब्लैक वाली प्रोप है इसको कॉमन में लगाना है, और यूजुअल वर्क करने के लिए, जैसे कि ज़्यादातर हमारे काम होते हैं उसको करने के लिए, आपको इस प्रोप को यहाँ पर लगाना है। अगर आपको 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करना है, तो आपको इस रेड वाली को यहाँ से उठा के यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। ये जो बजर का साइन होता है, ये होता है कंटिन्यूटी। अगर आप इन दोनों प्रॉप को मिलाएंगे तो फिर एक बीप की आवाज आएगी, और मल्टीमीटर जीरो शो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी बीच में रेजिस्टेंस टाइप कुछ भी नहीं है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई वायर सही है या नहीं, या फिर वो इंटरनली खराब है या नहीं। जैसे कि मेरे पास एक ये छोटी सी वायर है, देखिए, मेरे को चेक करना है क्या ये अंदर से फॉल्टी तो नहीं है। तो फिर मैं एक पॉइंट इसका यहाँ लगाऊंगा, और ब्लैक प्रॉप को यहाँ लगाऊंगा। देखिए, वायर बिल्कुल सही है, और बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब इस वायर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको बैटरी चेक करनी है, तो फिर आपको ये डीसी वोल्टेज पे लाना है। मेरे को 9 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है, तो फिर मैं इसको 20 वोल्ट की रेंज पर सेट करूँगा। आपको जितने भी वोल्ट की चीज़ चेक करनी है, आपको उससे एक रेंज ऊपर रखना है,
तो चेक करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए बैटरी थोड़ी अभी डाउन है, इसलिए इसमें इतनी वोल्टेज दिखा रहा है। ये मैंने किसी चाइनीज़ मल्टीमीटर में से निकाली थी। तो अब मैं आपको कुछ और चेक करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये रेजिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ। अब मेरे को तो पता है कि ये 1K का रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार हम इस मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वैसे तो आप इस प्रोब को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप इसका एक ढक्कन होता है, इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको इसको सेट करना है ओहम की रेंज पे। मैंने इसको 2K ओम पे सिलेक्ट किया। ओके जी, अब एक एंड मेरे को लगाना है यहाँ पे और एक एंड लगाना है यहाँ पे। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं, 978, यानी कि 1K का रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत टॉलरेंस भी होती है 5% के हिसाब से। तो ये मल्टीमीटर काफ़ी सही काम कर रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इस पर कोई भी वैल्यू होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है इतनी, और मैंने होल्ड कर दिया, सॉरी। अब मैंने ये वैल्यू होल्ड कर दी तो फिर ये इतनी रहेगी, और जब तक मैं होल्ड का बटन दबा नहीं दोबारा नहीं दबाता तब तक ये वैल्यू यहाँ से हटेगी नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप दूसरे मल्टीमीटर से कंपेयर करें तो फिर आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।